नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की दिल दहलाने वाली खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर के शोपियां एवं पुलवामा जिले में शनिवार को आतंकवादियों ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के शिविरों पर ग्रेनेड फेंके, जिससे 3 कर्मी घायल हो गए हैं। पुलिस ने यह जानकारी दी। ये हमले उस दिन हुए जब इस अर्धसैनिक बल ने जम्मू में अपना 83वीं स्थापना दिवस मनाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीआरपीएफ के स्थापना दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जो पहली बार राष्ट्रीय राजधानी से बाहर मनाया गया। पुलिस ने एक अधिकारी ने बताया कि रात लगभग 8:10 पर आतंकवादियों ने दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के जौनपुरा इलाके के बाबा पोरा में सीआरपीएफ की 178 बटालियन के शिविर पर एक ग्रेनेड फेंका। उन्होंने कहा कि इस ग्रेनेड हमले में सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया है। अधिकारी के अनुसार एक अन्य घटना में आतंकवादियों ने दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में त्राल इलाके के नौडाल में सीआरपीएफ की 180 बटालियन पर एक ग्रेनेड फेंका। इस हमले में सीआरपीएफ के 2 टोपर जवान घायल हो गए हैं। तो दोस्तों, उन घायल जवानों के लिए दुआ कीजिए, हमारे वो घायल जवान जल्द से जल्द ठीक हो। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।